हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टेन एक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे यूएस के इन्फ्लेशन को लेकर, जो कि अभी 2.9% के अराउंड आया है, जो कि पिछले 6 महीने से अगर हम बात करें, मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस बार तीनों अगर हम बात करें, 3, 2, 5 महीने से कटता ही जा रहा है। उसके बाद 3.2 पे था, 3.1 भी आया था, 3.1 नवंबर में भी आया था, 3.1 जनवरी में भी आया था, इस बार 2.9 आया, पहली बार 3 के नीचे गया है इतने काफ़ी टाइम में। ठीक है, 5 साल की बात करें तो 5 साल में 3 के ऊपर ही था। देखो, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर था, तो यहाँ पर लास्ट टाइम जब इतना अच्छा था तो ये अराउंड यहाँ पर मार्च 2021 में था, उसके बाद तो इंक्रीज़ करता गया, तो मार्च 2021 के बाद 3 के नीचे हम पहली बार आए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सही में 3 के नीचे पहली बार आए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी न्यूज़ है, और जो ये अफेक्ट करेगी मार्केट को। ETF के लेकर बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लेकर बात करेंगे। मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट की ट्रेड दे हुई रखी हुई है, बताया हुआ है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। मैं इधर उधर की बात करता हूँ, लेकिन दोनों तरफ की बात करता हूँ, बट मैं एक सॉलिड प्लान ज़रूर बता के जाता हूँ कि मेरा पर्सनल बायस मार्केट को लेकर क्या है। मैं ये ज़रूर बताता हूँ, मार्केट को मैं गिरने की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ या उठने की तरफ, ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चार्ट देकर रखा था, ये शॉर्ट की ट्रेड 61 वाली बता के रखी है, वहां पर पहले भी बताई थी। ठीक है, मैंने वहां पर ओपन करी थी जब ये ट्रेड। ठीक, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो हम बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, वो एरिया ये वाला है, ये जो क्लस्टर एरिया था जहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, ये लिक्विडिटी होगी यहाँ पर, इस जगह पर जो बॉक्स ड्रॉ किया है। अगर मैं इस एरिया को देखता हूँ तो ये एरिया हमारा बचता है 50,000 से 49,000-48,000 डॉलर्स के अराउंड। ठीक है, अगर हम इस शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है कि डेली में हमें सारे इमेज का रिजेक्शन मिल रहा है, और ये रिजेक्शन पास है, बहुत सटीक सा है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान बना नहीं सकते। लेकिन हमारी हर रोज़ डेली क्लोजिंग नीचे होती है, फिर अगली ऊपर आ जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो हमारे पास एक सटीक जो शॉर्ट का कंफर्मेशन होगा वो इसके नीचे आने का, 57,300 के नीचे अगर आ गए तो हम डायरेक्ट 51-52 आ सकते हैं। ठीक है, एक ये शॉर्ट साइड का मुझे बायस लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग कब होगी ये ट्रेड, सिंपल सी बात है, लॉन्ग हो सकती है क्योंकि RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, स्टोकास्टिक RSI हो चुका है, बट स्टोकास्टिक डेली में ऊपर ओवर बाय में पहुंचने वाला है, जबकि मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऊपर जाने पर कब ये क्लियर होगा, जहाँ पर मैंने SL बताया 63,800 के, अगर इस एरिया को ये क्लीन करके ऊपर भाग जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग 65,000-69,000-70,000 सब आ रहा है। ठीक है, 72,000 तक इनफैक्ट आ जाएंगे, तब तो हम ऊपर 88,000 चले जाएंगे अगर वो चीज़ क्लियर करता है। चूँकि न्यूज़ अच्छी आई है इन्फ्लेशन की और मार्केट ने प्राइसिंग नहीं किया, दैट मीन्स पिछले काफ़ी टाइम से जो CPI डाटा है या फिर इन्फ्लेशन का डाटा है वो इफेक्ट नहीं कर पा रहा मार्केट को, अगर हम देखें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, डेली में ना इतनी सारी इंपॉर्टेंट ये मेरे नीचे क्लोजिंग लास्ट टाइम यहाँ पर हुई थी, लेकिन इसने एक फेकआउट दिया था, वो ऊपर रैली कर गया, फट गया, तो इसीलिए कहता हूँ SL लगा के रखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे भी शॉर्ट लिया था डेली में तो आपको एक SL लगा होगा, आपका SL हिट हुआ, आप ऊपर चलेगी मार्केट। ठीक है, तो इससे पहले फेकआउट बहुत हुए, यहाँ पर फेकआउट हुआ, ये पूरा एरिया था, जैसे यहाँ पर नीचे पहली बार आया, यहाँ जिसने शॉर्ट खोला यहाँ पर क्लोज किया 25,000 पे, तो उसका बना, तो फेकआउट तो बनते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ लास्ट टाइम जब आया था तो फेकआउट हुआ था गंदा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डेली में इसके नीचे आ जाते हैं ना, तो एक थोड़ा बहुत हमें अनकंसर्निंग दिखता है, यहाँ पर देखो हम क्लोज हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो कंसर्निंग नहीं बोल सकते हम, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब लास्ट टाइम हमने ऐसा कुछ किया था तो हम बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर, जब हम नीचे इस तरह से क्लोज किए थे। ठीक है, तो हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी, लोगों को लगा कि ये विक फेल होगी, जैसे ये विक आई, इसके बाद मार्केट नीचे आई विक के पास, जब ये एरिया टूट गया ना, इसके बाद हमें पता चला मार्केट तो बेरिश है तो नीचे आएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, अगर इस मार्केट को जो भी ये हो रहा है ये बेरिश होना है तो इसको क्या करना होगा, इस लो को तोड़ के नीचे जाना होगा। अगर ये नीचे जाती है दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए हो सकती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये देखो ये एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है ये एरिया है, अब इसके नीचे ये क्लोज करती है, ठीक है तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, 51, 48, 49, मेरे को लगता है अगर वहाँ पे मार्केट आ गई ना तो श्योर शॉट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस एरिया से लेकर 48, 47, ये जो भी एरिया है इन दो लाइन में और इन दो लाइन में, इन दोनों में आप बाय कर सकते हो बिटकॉइन को और इथेरियम को एज वेल। क्योंकि अब दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इथेरियम भी बहुत अच्छी जगह पे, बिटकॉइन की बात करता हूँ क्यों मैंने वो एरिया बताया, बिटकॉइन का वही एरिया दिखा रहा हूँ, 47,000 डॉलर से 46, 44 जो भी एरिया, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी बैठी हुई, बहुत सारे ऑर्डर्स बैठे हैं, इनफैक्ट नीचे बहुत सारे ऑर्डर हैं, देखना ये कहाँ तक की लिक्विडिटी ये उठाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ETH की, तो इथेरियम में जो है नेट इनफ्लो जो है, जो हमारा ब्लैक रॉक है वो उसमें आता जा रहा है। अगर हम देखें तो ब्लैक रॉक के ETF में लॉन्चिंग से
पहले दिन तो 595 मिलियन आया, फिर 87, 58, 118, 5 मिलियन, 89 मिलियन, ऐसे करके करके ब्लैक रॉक के ETF में ना आता ही जा रहा है मनी, और इस बार तो 50 मिलियन आया है कल की डेट में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेस्केल जो है वो अपना भैया अपना उसमें तो सेलिंग हो ही रही, लोग यहाँ से सेल करके यहाँ डाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव में आ रहा मोमेंटम, 24 मिलियन आ रहा, यहाँ पे 5 मिलियन आया परसों, ये 15 माइनस आया, ये 23 माइनस आया, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो नेट डेल्टा पॉजिटिव है और हम यहाँ पर ETH में अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो फंड है यहाँ पर शायद कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें टोटल में तो अच्छा खासा फंड जो है इंक्लूड हो चुका है, अगर हम बात करें सबको ऐड करके, ठीक। और उसके अलावा अगर हम देखें नेगेटिव में शायद हम चल रहे हैं मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यहाँ पर देखो, ठीक, ये चीज़ है। और इसके अलावा हम ना भाई एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम क्या होता बिटकॉइन में, कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन का लॉन्च हुआ था और वहाँ पे सेलिंग हो रही थी ग्रेस्केल की, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई ब्लैक रॉक में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक यहाँ पे नेट पॉजिटिव इथेरियम को बाय कर रहा है, इथेरियम में फंड डाल रहा है, या ग्रेस्केल सेल कर रहा है, क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक रॉक कभी लॉस में नहीं जाएगा, इतना बड़ा एसेट मैनेजर है, इसकी ये चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैं कह रहा कि इथेरियम में कुछ तो बात बाकी है, कुछ तो बाकी है, ठीक है। अगर मैं गाने की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो ETH ने क्या किया, ETH ने ऊपर SL खाया। अब जैसे ये परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्यों हो जाती है मैं बताता हूँ, ये एक रेंज थी जिसके पास ये प्ले कर रहा था, ठीक है। आपने जैसे इस जगह पर करेंट जगह पर जहाँ पर भी है एक SL ट्रेड खोली, शॉर्ट का एकदम ऊपर लगाया, 4-5% लॉस, टारगेट रखा ये वाला 0.5 का लेवल, ठीक है, फिब का, ठीक है, इस वीक से, इस वीक के लो से, मान लो इस लो से लेकर इस हाई के बीच में हमें एक एरिया ड्रॉ करना है, और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा 2400-2450 के अराउंड, ये हमारी एक तरह से एक ट्रेड ओपन होगी। क्यों ट्रेड ओपन हुई, मैंने आपको बता दिया कि इसने 4 घंटे में अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली के कैंडल में भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले ही रहा है, नीचे आ चुका है, ऊपर आया था 2700 तक, लेकिन मेरा अनुमान था 2800 आएगा, बट कोई बात नहीं, ये ऊपर एग्जैक्ट आता तो लोग इसको वहाँ पर शॉर्ट करने लग जाते, तो लोगों को इसने मौका भी नहीं दिया। यहाँ 4 घंटे में इसने 50 नहीं शायद 100 वाली मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया। अब अगर ये जिस तरह का लग रहा है, मुझे लगता है इसमें एक 8% का मूव आएगा, 4% का लॉस है स्टॉप लॉस, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल एक ट्रेड मिलती है जिसमें 1:2 का रेशियो, 1.77 का रेशियो, ठीक है, जिसमें अगर आप एक गवाते हो तो 2 कमा सकते हो, ठीक है, इस तरीके की ट्रेड बन रही है। इसके अलावा इस चार्ट को देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें फंडिंग जो है बहुत ज़्यादा लोअर एंड पे दिख गई है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो फंडिंग बहुत लोअर है, बहुत लोअर है, लाइक अगर हम 1-2 घंटे में जाएं तो हमें तो नेगेटिव में ना दिख जाए, शायद 1 घंटे में बहुत नीचे आ चुकी है फंडिंग, ठीक है। अगर हम देखें और नीचे आते हैं 15 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर देखो फंडिंग नेगेटिव आ गई थी, फंडिंग एकदम डेड है। अगर हम OI की बात करें तो OI इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक चीज़ समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, OI इंक्रीज कर रहा है इस फॉल में भी, इस फॉल में OI हल्का सा इंक्रीज कर रहा है, लोग यहाँ पर जनरली अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग की हो सकता है शॉर्ट्स की हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये मार्केट ऊपर भागी OI गिरता है दैट मीन्स शॉर्ट क्वीज आने वाली है और मार्केट ऊपर भाग जाएगी, ये लॉन्ग की एक बहुत बड़ी जो है इंडिकेशन होगी। अगर ये नीचे भागता है और ये OI भी गिरता है तो मतलब जो हमारे लॉन्ग्स हैं वो लिक्विडेट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है SL लेने नीचे तक आए, बहुत नीचे आ सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे अगर हम देखें 12 घंटे में, तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा इस लो के नीचे आएगा, $54,000 के नीचे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। डेली की कैंडल या 12 घंटे की कैंडल की बात करें तो नेगेटिव डेवलप हो रही है, ठीक है, अभी देखो डेली अभी फिर से नेगेटिव डेवलप हो रही है, अभी जस्ट हुई है, ठीक है, प्राइस क्योंकि गिर रहा है इसलिए नेगेटिव डेवलप हो रही है फंडिंग। अगर फंडिंग नेगेटिव है, OI हल्का पुलका बढ़ता दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पूरे मूव में, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर शॉर्टर्स को देखेंगे जिनकी स्क्वीज आ सकती है ऊपर की ओर। तो इसलिए सिंपल सी भाषा में, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊँ, 63 तोड़ता है लॉन्ग करना, 60 और जब उसके नीचे कुछ भी हो शॉर्ट करते रहना, ठीक है, मेरा ये अनुमान है। टारगेट रखना 55-54 का और उसके नीचे 51-50 का, ठीक है। अगर लॉन्ग कर रहे हो टारगेट मिनिमम रखना 66 का 69 का, ठीक है, ये दो टारगेट्स आपके ऊपर के ओर में। आई होप कि आपको पूरा मार्केट का एक डायनेमिक समझ में आ गया, मार्केट किस तरह से लग रही है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो चीज़ें आपको समझ आ गई। अगर समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।